Good morning, students. Today we will start exercise 7.3 of chapter 7 fractions. So, in the previous video, we have exercise K, question 1st, 2nd, 3rd, and 4th question discussed. Now, in this video, we will discuss the remaining questions. So, start with question number 5th. Find the equivalent fraction of 36 divided 48 with kitne numerator ke maine usme 9. ठीक है, तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन फोर्थ भी करके आए जिसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना था 3/5 का और उसके हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखे थे. ठीक है, सो वही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन फिफ्थ उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है. स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन फिफ्थ में हमको जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है इस बार को किसका करना है 36/48 का. ठीक है, सो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर दे रखा है कितना 9. न्यूमरेटर हमारे पास है 9 और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है गिवन नहीं है. डिनोमिनेटर हमको नहीं दे रखा, तो डिनोमिनेटर हमने मान लिया कोई लेटर डी. आप चाहो तो कोई सा भी कुछ भी मान सकते हो, हमने अपन माना कि डिनोमिनेटर कोई डी है. आगे जाके हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 9/b जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल है 36/48. ठीक है, क्योंकि हमको इसका यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो किसके बराबर हो गया 36/48. ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से और b को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से. तो 9 को मल्टीप्लाई करा 48 से और 36 को मल्टीप्लाई करा किससे, b से. ठीक है, अब हमें तो b की वैल्यू चाहिए. अगर हम b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको डिनोमिनेटर पता लग जाएगा और हमको डिनोमिनेटर पता लग जाएगा तो हमको जो फ्रैक्शन निकालना है वो निकल जाएगा. तो हमको ये b से जो 36 है इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा. तो 9/48/36 विच इज इक्वल्स टू b. किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया. अब 9 और 36 कैंसिल हो सकते हैं. यस, 9 4 का होता है 36, तो ये कैंसिल हो गया. 9 4 का 36, राइट. उसके बाद देखो और कोई चीज कैंसिल हो सकती है क्या, क्या 48 डिविजिबल है 4 से? यस, 4 1 सा 4 होता है और 4 ही से कितने टाइम जाता है, 8 2 टाइम जाता है. तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई. ठीक है, हमको b की ही तो वैल्यू निकालनी थी. अगर हमको b की वैल्यू निकल पता लग जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू पता लग जाएगी, तो हमको फ्रैक्शन पता लग जाएगा. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास थी 9 और b की हमने अभी अभी निकाली है जो कि कितनी आई है 12. तो ये हमारा क्या हो गया, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया किसका 36/48 का, जिसका न्यूमरेटर हमको गिवन है 9. नाउ क्वेश्चन फिफ्थ का बी, इस बार हमको डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर हमको गिवन नहीं है. न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा, तो हमने न्यूमरेटर मान लिया कोई सी है. ठीक है, और डिनोमिनेटर हमको कितना गिवन है 4. ठीक है, सो सी डिवाइडेड 4 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है हमको 36/48 का. तो किसके बराबर हो गया ये 36/48. यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी. कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है सबको. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी मल्टीप्लाई होगा 48 से और 36 और मल्टीप्लाई होगा 4 से. तो सी मल्टीप्लाई हुआ हमारा 48 से और 36 मल्टीप्लाई होगा हमारा 4 से. ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है. सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको न्यूमरेटर पता लग जाएगा. तो सी की वैल्यू चाहिए तो 48 यहाँ से हटाते हैं. 48 हटेगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो 36/4/48. कोई चीज़ कैंसिल हो रही है क्या? यस, 4 से 48 कितने टाइम जा सकता है, 12 टाइम जाता है. 12 4 से कितना होता है, 48 होता है. ठीक है, उसी तरह से 12 से 36 जा सकता है कितने टाइम, 3 टाइम. तो 12 3 जा 36. तो सी की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 3. तो जो सी की वैल्यू आई है उसको हम इसमें रख सकते हैं, सी डिवाइडेड फोर में सी की वैल्यू रखी हमने 3 और 4 तो हमारा चल ही रहा है. तो जो हमारे पास नया फ्रैक्शन आया वो कितना आया, 3/4, जो कि क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 36/48 का. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आती है. ठीक है, इक्वल हो जाती है. तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस के गिवन है, एक तो गिवन है 5/9 और दूसरा गिवन है 30/54. ठीक है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दो इनका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखो 5 / 9 और 30 / 54 जो है इसके बीच में हमने क्या करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो 5 तो मल्टीप्लाई हुआ 54 से और 30 किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो 5 × 54 एंड 30 × किससे 9 से, ठीक है। तो हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। नाउ 5 को मल्टीप्लाई करा हमने 54 से, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 270 आंसर। और जब हम 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से तो होता ही 27 है, पीछे 0 चल रहा है, तो कितना आ गया 270। तो इसका भी आया हमारे पास 270 और इसका भी आया हमारे पास क्या 270, ठीक है। सो दोनों के जो वैल्यूज हैं वो क्या आ गई हमारे पास सेम आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस 5 / 9 एंड 30 / 54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कौन से फ्रैक्शन हो गए हमारे पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए बिकॉज उनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई सेम आ गई। नाउ बी क्या गिवन है हमें फ्रैक्शंस, 3 / 10 एंड 12 / 50, ठीक है। पता करना है कि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई हुआ हमारा 50 से और 12 हुआ 10 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करा 50 से और 12 करा 10 से, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया, 3 को 5 से करोगे 50 और 0 का 0, 12 को 10 से करो तो 120, ठीक है। तो क्या 150 और 120 वैल्यूज सेम है या हमारे इक्वल नहीं है? अगर वैल्यू इसे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शंस हमें गिवन थे 3 / 10 और 12 / 50 वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो हैंस 3 / 10 एंड 12 / 50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ सी 7 / 13 एंड 5 / 11, ठीक है। इनका फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 को मल्टीप्लाई कराया हमने 11 से और 5 को मल्टीप्लाई कराया 13 से। तो 7 × 11 एंड 5 × 13, तो 77 आ गया इसको मल्टीप्लाई करने पर और 13 को 5 से करा तो आया 65। तो 77 और 65 इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है 7 / 13 और 5 / 11 वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो लेट्स कम टू द 7th क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है कि फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना है उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, और हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं कि फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है फ्रैक्शन को तब तक रिड्यूस करना जब तक उस जो फ्रैक्शन बचे उसके आगे और फैक्टर्स नहीं निकले, इसलिए उसका कॉमन फैक्टर क्या निकले, सिर्फ 1 निकले, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई फ्रैक्शन लिया 4 / 5, तो 4 / 5 में क्या हम इसके और कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, नहीं। अगर हमने लिया 3 / 6 तो दोनों के क्या और निकल सकते हैं, 3 की टेबल 6 जो 6 है वो 2 की टेबल में भी आ सकता है और वो 3 की टेबल में भी आ सकता है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो जब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या बचे 1, तो उस केस में जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो रिड्यूस होता है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और वही काम हमें इस क्वेश्चन नंबर 7th में करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है 48 / 60, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसका जो फ्रैक्शन बचेंगे उसका क्या है कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1, वो आगे और डिविजिबल नहीं होंगे। तो 48 और 60 का हम चेक करेंगे ये किसके टेबल में आते हैं, तो ये दोनों किसके टेबल में आ सकते हैं, 12 के टेबल में आते हैं। कितने टाइम्स 48 कितने टाइम्स आता है 12 4, ठीक है। उसी तरह से 60 कितने टाइम्स आता है 12 टेबल में 12 5, ठीक है। सो ये हमने स्प्लिट कर दिया। नाउ 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास सिर्फ 4 / 5, तो ये क्या आ गया हमारा, ये फ्रैक्शन हमने रिड्यूस कर दिया 4 / 5। अब 4 / 5 को और रिड्यूस नहीं किया जाता, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसी तरह से हमारे पास दूसरी वैल्यू है 150 / 60, ठीक है। तो 150 / 60 अगर थोड़ी देर के लिए हम जीरो को नहीं देखें तो 15 और 6 दोनों किसके
ज्यादा और रिड्यूस नहीं कर सकते। नाउ 84 डिवाइडेड 90, दोनों किसके टेबल में आ सकते हैं, किसी दिन विजिबल है, 14 टेबल में आ सकते हैं, कितने टाइम्स 14 को मल्टीप्लाई करा अगर हमने 6 से तो आता है 84, उसी तरह से अगर हमने 14 को मल्टीप्लाई करा 7 से तो हमारे पास आता है 98। ठीक है, 14 से 14 कैंसिल आउट, क्या बचा 6 डिवाइडेड 7, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया सिंपलेस्ट फॉर्म में 6 डिवाइडेड 7। अगर जब हम उनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 1। नाउ द सेकंड डी इज 12 डिवाइडेड 52। ठीक है, अब 12 डिवाइडेड 52 में हम देखें तो 12 और 52 किससे हो सकते हैं, 12 कितने टाइम्स आ सकता है, 3 के टाइम आ सकता है, 4 टाइम्स, 3 4 सा 12। उसी तरह से 52 किसमें आ सकता है, 13 के टेबल में, 13 को हमने इक्वल करा किससे 4 से तो हमारे पास आ जाता है 52। 4 से 4 गया, क्या बचा फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड 13, तो हमारे पास रिड्यूस हो गया फ्रैक्शन क्या आया सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 डिवाइडेड 13। नाउ ई 7 डिवाइडेड 28, तो देखो 7 तो कितने टेबल में आ सकता है 7 1 सा 7, उसी तरह से 28 भी 7 के टेबल में आ सकता है, कितने टाइम्स 4 टाइम, तो 7 4 सा 28, 7 से 7 कट गया, क्या बचा सिर्फ हमारे पास फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड 4, तो ये इसकी क्या हो गई फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें फ्रैक्शंस को रिड्यूस तब तक करना पड़ता है जब तक उसका जो फ्रैक्शंस हमारे पास आ रहे हैं उनके कॉमन फैक्टर क्या आ जाए हमारे पास सिर्फ 1 आए। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे।